और इस एक्टिवी 700 के AX7 और AX7L में आपको 2 लाख रुपए का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको DRL देखने के लिए मिलती है, अनलॉक करती है आपकी क्लिंकर मारती है, 7 सीटर के साथ 7 बंदे पूरी फैमिली एंजॉय करोगे। इंटीरियर आप चेक कर लो गाड़ी का, काफी प्रीमियम सा आपको इंटीरियर देखने के लिए मिलता है गाड़ी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रेहान कार्स। आज की वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं महिंद्रा एक्सयूवी 700 के बारे में। अपने सामने इसका AX7 वेरिएंट है जिसकी आज अपन डिटेल में बात करने वाले हैं, क्या कुछ आपको फीचर्स मिलते हैं, क्या प्राइस मिलती है, सब के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं। AX7 इसका सेकेंड टॉप वेरियंट है जिसमें आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं, टॉप से लेवल के फीचर आते हैं इसमें। और दिखाऊँ आपको, ये चेक कर लो आप, AX7 वेरिएंट है और इससे ऊपर आप जाओगे तो AX7L यानी लग्जरी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो बात करते हैं गाड़ी के बारे में, क्या कुछ फीचर्स वगैरह हैं। SH इंटीरियर भी आपको दिखाऊं तो पूरा प्रीमियम सा ही मिलेगा जो आपको पूरे टॉप वेरिएंट में मिलता है, वही आपको कनेक्टेड स्क्रीन वगैरह, पैनोरामिक सनरूफ वगैरह सारी चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती है। चलिए बात करते हैं गाड़ी के बारे में। और इस XUV 700 के AX7 और AX7L में आपको 2 लाख रुपये का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, मतलब एक शोरूम से ही कट कर दिया है महिंद्रा ने इसका प्राइस, तो आपको 2 लाख रुपए का मोटा मोटा डिस्काउंट आप कह सकते हो वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा AX7 और AX7 में L में, ठीक है, और AX5 में अलग है थोड़ा, ठीक है। बात करते हैं गाड़ी के बारे में, सबसे पहले हेडलाइट्स देख लो गाड़ी की कुछ इस प्रकार की मिलती है आपको। यहाँ पर आपको DRL देखने के लिए मिलती है, अनलॉक करती है आपकी फ्लिंकर मारती है, यहाँ पर आपको पूरा LED लाइट का सेटअप मिलता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसी कुछ आपको ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है, सैटन फिनिश देखने के लिए मिलती है, और यहाँ पर आपको ट्विन फिक्स का लोगो देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, सैटन फिनिश वगैरह सब आ जाती है। और यहाँ पर आपको रडार मिलता है, ऊपर आपको कैमरा देखने के लिए मिलता है, तो लेवल 2 का एडास भी आपको AX7 वेरिएंट में मिल जाता है, ठीक है। चाबी आपको ऐसी कुछ देखने के लिए मिलती है, ये चेक कर लो भाई, टॉप वेरिएंट जैसी चाबी है, लॉक कर सकते हो गाड़ी को, स्वाइपिंग इंडिकेटर आपको देखने के लिए मिलता है, अनलॉक कर सकते हो अनलॉक हो जाती है, ठीक है। बूट अनलॉक का स्विच है और फ्लिप की आपको दे रखी है, और बाकी ये चीज बताना भूल गया था आपको, स्वाइपिंग इंडिकेटर आपको देखने के लिए मिलता है इसमें भी, ठीक है। यहाँ पर आपको फॉग लैंप भी देखने के लिए मिलते हैं, और बाकी ये आपका एक्सेसरीज का पार्ट है। साइड प्रोफाइल देख लो गाड़ी की, ऐसी कुछ लगती है देखने में। यहाँ पर आपको ऐसे कुछ MRF के टायर देखने के लिए मिलता है जिनकी प्रोफाइल की बात करें तो देख लो, 235/60/18 की आपको प्रोफाइल मिलती है, 18 इंच का एलॉय मिलता है डायमंड का, ठीक है। यहाँ पर आपको ORV में ऐसे कुछ मिल जाते हैं, ऑटो फोल्ड अनफोल्ड आते हैं आपके ये, बाकी यहाँ पर आप देख लो ऐसे कुछ साइड प्रोफाइल है। यहाँ पर आपको नॉर्मल वाले ही डोर हैंडल मिलेंगे कुछ इस प्रकार के जो आपके AX5 में आते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक वाले आपके AX7L में मिलेंगे, ठीक है। रूफ वेल्स वगैरह मिल जाती है, पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है, और ये कुछ आपको रियर प्रोफाइल मिलती है, काफी ज्यादा क्लासिक लगती है देखने में। यहाँ पर अनलॉक करूंगा तो आपकी ये कुछ लाइट फ्लिंकर मारती है, और लॉक करूंगा तो देखो नॉर्मल वाला इंडिकेटर मिलेगा, सिक्वेंशियल इंडिकेटर आपको टॉप वेरिएंट AX7L में मिलेगा। XUV 700 AX7 की ब्रांडिंग मिल जाती है, ट्विन पिक्स का लोगो मिल जाता है, और यहाँ पर कैमरा, वाइपर, डिफोगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, शार्पन एंटेना मिल जाता है। यहाँ पर आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, और सैटन फिनिश वगैरह मिल जाती है, और ये आपका दिख रहा है जो बंपर गार्ड, ये एक्सेसरी का पार्ट है, ठीक है। अनलॉक करके एक बार ओपन करें इसको, मैं ओपन कर लेता हूँ एक बार, ये लो भाई, ऐसा कुछ आपको बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है XUV 700 के अंदर। 5 सीटर के अंदर अभी कन्वर्ट हो रखी है, तो यहाँ पर इतना बड़ा बूट स्पेस है। गाड़ी आपकी 7 सीटर के साथ आती है, तो इन सीटों का आप अनफोल्ड भी कर सकते हो, लाइक एक बार करके दिखाऊं मैं आपको, ये लो भाई, ऐसे कुछ आप दोनों सीटों को अनफोल्ड कर सकते हो, 7 सीटर के साथ 7 बंदे पूरी फैमिली एंजॉय करोगे, मस्त गाड़ी भाई, 7 बंदों के लिए तो एकदम प्रॉपर, ठीक है। और 5 जाने तो फोल्ड कर लो, इतना बड़ा बूट स्पेस क्रिएट हो गया आपका। यहाँ पर AC वेंट वगैरह मिल जाते हैं, कप होल्डर वगैरह चेक कर लो, यहाँ पर स्पीकर वगैरह मिल जाता है प्रॉपर, ठीक है। नीचे में आप देखते हो तो ये देखो, यहाँ पर आपको ये ऐसे कुछ टूल किट वगैरह प्रॉपर मिल जाती है गाड़ी के अंदर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको करते हैं बंद एंड चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर के अंदर, तो ये चेक करो सबसे पहले डोर ट्रिम, आप ऐसे कुछ आपको ट्रिम देखने के लिए मिलती है भाई, पूरी पन्ने पैक होकर आती है देख लो गाड़ी, ताकि स्क्रैच वगैरह कुछ भी ना लगे। महिंद्रा की ये चीज़ सबसे अच्छी लगती है मुझे, यहाँ पर सॉफ्ट टच वगैरह पूरा आपको देखने के लिए मिलता है, लाइक चेक कर लो, इतना प्रीमियम लगता है ना भाई ये डोर देखने में। आप ट्रिम चेक कर लो पूरी, एकदम मर्सिडीज वाली पूरी फील मिलती है। स्विच वगैरह आप चेक कर लो, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक सीट आती है, और ये वेलकम फंक्शन के साथ आती है, जैसे ही आप डोर ओपन करोगे आपके पीछे जाएगी, और अंदर बैठोगे आप तो आपकी एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। मेमोरी फंक्शन मिलता है, 3-3 आप एडजस्ट कर सकते हो। ग्लॉसी ब्लैक वगैरह पूरा मिल जाता है, यहाँ पर आप पावर विंडोज वगैरह कंट्रोल वगैरह भी चेक कर सकते हो। ट्विटर स्पीकर यहाँ पर आपको मिलता है। इंटीरियर आप चेक कर लो गाड़ी का, काफ़ी प्रीमियम सा आपको इंटीरियर देखने के लिए मिलता है गाड़ी का। ये कनेक्टेड डिस्प्ले भाई बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगती है देखने में। यहाँ पर आपको ये सीट्स वगैरह देखने के लिए मिलती है गाड़ी के अंदर, लाइक चेक कर लो, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक वाली है। चलो चलते हैं गाड़ी के अंदर, चाबी को रखूँगा यहाँ पर, इसको करते हैं सिंपली बंद। सबसे पहले सनरूफ ही ओपन कर लेते हैं अपन, एक बार ओपन कर लेता हूँ, कहाँ गया इसका स्विच, ये रहा, बटन दबाऊंगा, लाइक चेक कर रहे हो भाई, क्लासिक लगता है भाई इतना ये ऑन होता है ना भाई, फील दे देता है एक प्रॉपर, पूरी कनेक्टेड स्क्रीन आपकी, मज़ा सा आ जाता है, ठीक है। इसको करते हैं यहाँ से बंद हैंड, देख लो भाई, इसको मैं ब्लाइंड को ओपन करता हूँ, लाइक चेक करना भाई,
क्या लगती है भाई, इतनी बड़ी पैनोरामिक सनरूफ मिलती है गाड़ी के अंदर, प्रॉपर फील दे देती है आपको। लाइक चेक कर लो, ब्लाइंड पीछे जाके आपका ग्लास ऊपर हो जाता है ऐसे कुछ। ये आपको डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, ऑफ कर देते हैं सिंपली इसको यहाँ से। एंड ये चेक कर लो भाई, सनरूफ ओपन हो गई आपकी। चेक कर लो इंटीरियर, तगड़ा सा लगता है देखने में। सॉफ्ट टच यहाँ पर आपको दे रखा है, लेदर की स्ट्रेचिंग हो रखी है प्रॉपर। और यहाँ पर आपको ऐसा कुछ स्टीरियो देखने के लिए मिलता है, ये देख लो एंड्रॉइड टू एप्पल कारप्ले, आपको सारे फीचर मिल जाते हैं। एड्रेनोक्स वगैरह के सारे कनेक्टेड वगैरह हैं यहाँ पर, आप चेक कर लो एड्रेनोक्स की ब्रांडिंग भी, ठीक है। रिवर्स कैमरे की क्वालिटी भी एक बार दिखा दूँ आपको, लाइक चेक करना आप। ये देखो भाई ऐसे कुछ आपकी रिवर्स कैमरे की क्वालिटी है, ये डिस्प्ले में यहाँ पे आता है, ठीक है। बाकी ये आपको ऐसे कुछ क्लस्टर मिलता है भाई, इसकी डिजिटल MID, इसके कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हो। ये देख लो, आपको अगर सारी चीज़ें देखनी है तो यहाँ से आप देख सकते हो भाई क्या कुछ चल रहा है। एडास वगैरह के कंट्रोल भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, देख लो भाई लेन की फसिस्ट वगैरह आपको सारे मिल जाते हैं। RP मीटर यहाँ पर मिलता है और यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। बाकी ऑन करेंगे एक बार गाड़ी को, स्टार्ट करके दिखाऊँ आपको। ब्रेक दबाकर बटन दबाऊँगा सिंपली मैं। ये कुछ आपकी इंजन साउंड आती है गाड़ी की, लाइक तगड़ी से लगती है। रैप करूँगा थोड़ा बहुत तो लाइक देखना, ये ऐसे कुछ आपका मारता है भाई स्वाइप, ऐसे कुछ तगड़ा सा लगता है भाई देखने के अंदर, ठीक है। बंद कर देते हैं वापस देखो 700 ऐसे बन के आती है आपकी, क्लासिक लगती है भी, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप बात करते हो, दो ऐसी वेंट मिल जाते हैं यहाँ पर आपको। ये आपको डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एडार लाइट के स्विच मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको रियर कैमरे का ऑन ऑफ का इसका स्विच मिल जाता है। नीचे में आप बात करते हो, यहाँ पर आपको खाली कुछ रखने का ऐसा सिस्टम मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको दो USB पोर्ट मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पूरा का पूरा सेंटर कंसोल ग्लॉसी ब्लैक के अंदर, मैनुअल हैंड ब्रेक। और यहाँ पर आप बात करते हो, ये आपके कुछ स्विच वगैरह मिलते हैं, लाइक इसकी वॉल्यूम वगैरह बढ़ानी तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, कम कर देते हैं। बाकी यहाँ पर आपको कुछ स्विच वगैरह मिलते हैं इसकी भी, ये आप चेक कर लो। आर्मरेस्ट आपको ऐसा कुछ मिलता है भाई, काफ़ी अच्छी स्पेयर भी मिल जाती है यहाँ पर आपको, फिनिश वगैरह अच्छी मिलती है खासी। ये चेक कर लो भाई, ग्लव बॉक्स में भी काफ़ी अच्छा स्पेयर है। यहाँ पर मैनुअल वाला IR भी मिलता है आपको, सनग्लास होल्डर देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर आपको लाइट्स मिलती है, देख लो काफ़ी प्रीमियम लगती है देखने के अंदर। बाकी यहाँ पर भी आपको सराउंडिंग में मिलती है, भी काफ़ी अच्छी लगती है, ठीक है। करते हैं बंद, यहाँ पर SOS का स्विच मिल जाता है। और ये बात करते हैं इसकी आप, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, टिकट होल्डर देखने के लिए मिलता है और इस साइड में आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, लाइक चेक कर सकते हो आप, ठीक है। ये सनरूफ वगैरह हो गई आपकी, सही सा लगता है पूरा सिस्टम आपका। चलते हैं भाई पीछे में, स्पेस वगैरह चेक करते हैं भाई सीट को, मैं मेरे हिसाब से थोड़ी एडजस्ट कर लूँ, ठीक है भाई, ठीक है। चलते हैं पीछे में, इसको ओपन करेंगे सिंपली, तो ये चेक कर लो भाई, ऐसी कुछ ट्रिम वगैरह आपको सेम ही देखने के लिए मिलेगी एज इट इज़। अंदर बैठूंगा मैं सिंपली, तो लाइक एक्सेसरीज वगैरह पड़ी है गाड़ी की, ये चेक कर लो आप। ये देखो भाई काफ़ी अच्छा स्पेस वगैरह मिलता है भाई, सीट के पीछे दोनों के पीछे पॉकेट है। बोस मोड यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है, मतलब पीछे वाला बंदा सीट को आगे पीछे कर सकता है। दो ऐसी वेंट यहाँ पर है, Type-C पोर्ट है और यहाँ पर कुछ स्पेस है, पैनोरामिक सनरूफ है। पीछे में आपको 7-सीटर के साथ भी मिलती है, तो मस्त है भाई गाड़ी एग्जैक्ट भाई, ठीक है। यहाँ पर आपको रीडिंग लैंप मिल जाते हैं दोनों तरफ, ग्रैब हैंडल वगैरह भी प्रॉपर आते हैं, तो सही सी लगती है भाई गाड़ी देखने में। आपको पर्सनली कैसी लगी ये गाड़ी कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बता देना। मेरे को तो टिपिकली इसका ये AX7 वेरिएंट काफी सही सा लगा, मतलब ऑलमोस्ट सारे फीचर आ जाते हैं। ये थोड़ा भाई इलेक्ट्रॉनिक दे देते ना तो मजा ही आया था भाई ये वाला, ठीक है। तो कैसी लगी गाड़ी कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आती वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय द वे वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।